हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ राहुल। समीक्षा इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम भारत भूगोल में हम बिहार को पढ़ने वाले हैं, बिहार राज्य को कवर करेंगे। इसके पहले हमने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को कवर कर लिया है। बिहार के बाद हम झारखंड कवर करेंगे, राजस्थान, इसी प्रकार छत्तीसगढ़, सारे सारे राज्य कवर होते जाएंगे। समीक्षा इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स, और साथ साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लें जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथ साथ हम फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें जिससे वहां पे भी आपको स्टडी मटेरियल उपलब्ध होता रहेगा। चलिए आज पूरी पूरा विस्तार से और एक अध्ययन के तौर पर पूरा ही पूरा देखते हैं कि बिहार में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें परीक्षा उपयोगी के हिसाब से, परीक्षा उपयोगी मैटर के हिसाब से, जिससे आपको एक सामान्य जानकारी इससे प्राप्त हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप मैप देख सकते हैं समी, ठीक है, बिहार का मैप में। साथ साथ में इसके कुछ प्रतीक चिन्ह हैं उनको कवर करते हैं। सबसे पहले तो राजकीय वृक्ष को देख लीजिए। राजकीय वृक्ष यहाँ पर पीपल है, ठीक है, राजकीय वृक्ष। राजकीय पुष्प गेंदा है, ठीक है। बिहार का राजकीय पक्षी की बात करें तो गौरैया है। पशु अगर बैल देखा जाए तो बैल है, ठीक है। प्रमुख नदियों की अगर हम बात करें बिहार की, तो यहाँ पर कोसी आती है, गंडक आती है, गंगा आती है, सोन आती है, ठीक है। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा, कोसी, सोन और गंडक। उच्च न्यायालयों की अगर बात करें तो उच्च न्यायालय बिहार का पटना में। भाषा यहाँ पे हिंदी और उर्दू बोली जाती है। प्रमुख बोलियों की अगर बात करी जाए तो बिहारी और भोजपुरी यहाँ की प्रमुख बोलियाँ हैं, ठीक है। लोकगीत की अगर बात करें तो बिरहा, चैती और कजरी यहाँ के प्रमुख लोकगीत हैं। तो इस पर एक नज़र मार लीजिए कि बिहार का वृक्ष अगर पूछ लिया जाए कि राजकीय वृक्ष क्या है तो पीपल, पशु क्या है गेंदा, राजकीय पक्षी गौरैया, पशु बैल, ठीक है, पुष्प क्या है गेंदा है, ठीक है, पशु नहीं पुष्प क्या है गेंदा है, ठीक है। प्रमुख नदियाँ गंगा, कोसी, गंडक, ये सारी सारी याद रखना और सोन साथ साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक स्थिति देखेंगे बिहार की। देखिए बिहार की भौगोलिक स्थिति अगर बात करें तो अक्षांश और देशांतरों के हिसाब से तो 21 से लेकर 27 डिग्री तक, कहाँ सा 21 से लेकर 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य और 82 से लेकर 88 देशांतर तक ये विस्तृत है। साथ साथ में मिनट भी जोड़ रहे हैं, लेकिन आप एबब याद रखने के लिए इसकी डिग्री याद रखें, ठीक है। 21 से लेकर 27, 21 डिग्री 58 मिनट भी इसको याद कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। देशांतर बसा हुआ है, ठीक है, कहाँ पर? बिहार की स्थिति में। भौगोलिक दृष्टि से अगर बात करें तो इस राज्य के उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में कौन कौन से राज्य और देश बसे हुए हैं उनकी अगर बात करें तो इसके राज्य के उत्तर में अगर बात करें तो नेपाल, दक्षिण में झारखंड है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, और साथ साथ में पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य की स्थिति है। चित्र अब जब भारत का चित्र अब जब आप देखेंगे तो इसमें सारा की सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। इस राज्य का अगर भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करूँ तो मैं 94,153 वर्ग किलोमीटर है, और ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.1% के अंतर्गत आता है। कितना? 3.1% के अंतर्गत आता है, ठीक है। बिहार के मैदान का दक्षिणी भाग गंगा का मैदान का दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है, याद रखना। जो छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली उत्तर भानी नदियों एवं गंगा का बिछाई गई जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। किससे? जलोढ़ मृदा से। इसके अंतर्गत देखिए जो जो इसके जिले आते हैं, जैसे बक्सर हो गया, बक्सर, भोजपुर, पटना, रोहतास, गया, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा, मुंगेर, जमुई, भागलपुर आदि जिले इसके अंतर्गत आते हैं। इनमें से अगर दक्षिण जिलों का मैदानी भाग टोकरियों व छोटी अवशिष्ट पहाड़ियों से युक्त है। गंगा के दक्षिणी मैदान की प्रमुख नदियाँ जो बरसाती हैं, इन नदियों में कर्मनाशक, सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय, क्यूल आदि प्रमुख हैं। गंगा का संपूर्ण मैदान घनी जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। बिहार का सबसे पहले जो विजय प्राप्त करने वाले मुस्लिम शासक था बिहार को, सबसे पहले किसने विजय किया था? तो याद रखना बख्तियार खिलजी ने किया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने। जनसंख्या की दृष्टि से चार बड़े जिले कौन कौन से हैं बिहार के? पहले नंबर पे पटना हो जाता है, जहाँ पर 58 लाख जनसंख्या है। फिर पूर्वी चंपारण है, मुजफ्फरपुर है और मधुबनी है। इस प्रकार के सारे की सारे जिलों को याद कर लेना, ठीक है। सबसे बड़ा जिला पटना है जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि सबसे छोटे जिले की बात करें तो शेखपुरा, जहाँ की आबादी मात्र 6 लाख, ठीक है, 6 लाख के करीब है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। उर्वरक उद्योग व तेल शोधक शाला जो होती है उसके लिए कौन सा जिला जाना जाता है? बरौनी जाना जाता है। सबसे अधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH31 है। कौन सा?
NH31 है जो कि यहाँ पर 396 किलोमीटर तक फैला हुआ है। राज्य का विस्तार अगर बात करें तो उत्तर से दक्षिण का 362 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर है। राज्य का विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण की तरफ 362 और पूर्व से पश्चिम की तरफ 483। भागलपुर के निकट कहलगांव किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर बात करें तो केंद्रीय ताप बिजली घर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए? केंद्रीय ताप बिजली घर के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन विक्रमशाला विश्वविद्यालय के भग्नावशेष किस जिले से मिले हैं? जो विक्रम विश्वविद्यालय है वो किस जिले से मिले हैं? भागलपुर से इसके मिले हैं। बिहार में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत दर कितना है? अगर बात करें तो अनुसूचित जनजाति का तो 1.3% है 2011 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ साथ में और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि बिहार में शीर्ष एवं न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें जिले में, तो देखिए जो शीर्ष पर है वो गोपालगंज है, जहाँ पर 1021 बालिकाएँ 1000 बच्चों पर, और साथ साथ में मुंगेर की बात करें तो 1000 बालकों पर 876 बालिकाएँ हैं। तो देखिए शीर्ष लिंगानुपात की बात करें तो गोपालगंज आएगा, और निम्न की बात करें तो बिल्कुल निम्न न्यूनतम वो 876 मुंगेर आएगा। ठीक है, सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षर जिले की अगर बात करें तो सर्वाधिक जो साक्षरता है वो रोहतास की है। ठीक है, और सबसे कम पूर्णिया की है। ठीक है, वहाँ पर मात्र 51% ही साक्षर लोग हैं। पटना गंगा के किनारे बसा हुआ है जो कि दक्षिण किनारे पर है। ठीक है, याद रखना पटना जो है गंगा के किस किनारे पर है? दक्षिणी किनारे पर है। बिहार में भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल किस नदी पर स्थित है? सोन नदी पर है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल सोन नदी पर है। बिहार में भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है, वह किस नदी पर है? तो याद रखना महात्मा गांधी सेतु पुल है और गंगा नदी पर है, 5.5 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, 5.5 किलोमीटर महात्मा गांधी सेतु पुल है, गंगा नदी पर सबसे बड़ा पुल है। ठीक है, उत्तरी बिहार की आर्द्रता वाले भागों की अगर बात करें तो जिसमें दरभंगा सहरसा कटिहार पूर्णिया अररिया में बड़े पैमाने पर जूट की खेती की जाती है। किसके? जूट की। जूट की बड़ी गिलों में कटिहार समस्तीपुर तथा दरभंगा चंपारण की गिले उल्लेखनीय हैं। गंगा की उपज की दृष्टि से अगर बिहार देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है। ठीक है, चंपारण सारण दरभंगा गोतिहारी सीवान समस्तीपुर पूर्णिया कटिहार आदि प्रमुख गन्ना उत्पादक जिलों में अनेक चीनी भी मिलते हैं चीनी मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर जो शक्कर की जो मिल होती है ना, फैक्ट्री छोटी वाली, वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। पश्चिमी चंपारण मुजफ्फर और बरौनी में चमड़ा प्रसंस्करण के उद्योग हैं। मुंगेर के पास दीवारपुर में इंपीरियल तवाई कुत्ता कंपनी का सिगरेट कारखाना स्थित है। मुजफ्फरपुर में स्थित प्रभात जर्दा फैक्ट्री उच्च कोटि का जर्दा बनाने के लिए प्रसिद्ध भी है। उत्तरी बिहार में हाजीपुर एक प्रसिद्ध फ्लाईवुड निर्माण केंद्र है। कहाँ पर? उत्तरी बिहार में हाजीपुर। ठीक है, फ्लाईवुड निर्माण केंद्र है। अब रेशम की अगर बात करें तो बिहार में दो प्रकार का रेशम होता है, एक तो टसर प्रकार का होता है और ईरी प्रकार का होता है। टसर प्रकार के रेशम का भाग अगर बात करें तो प्रमुख जो क्षेत्र है वो भागलपुर और गया प्रमुख जिले हैं। उत्तरी बिहार का गंडक क्षेत्र ईरी रेशम के लिए प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। कौन सा? एरी। ठीक है, एरी रेशम के लिए। रेशम कितने प्रकार के? टसर और एरी। सकरा पूसा महारगढ़ रोसरा गोदारी आदि इसके अन्य प्रमुख केंद्र हैं। भागलपुर तथा नाथनगर सिल्क उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। साथ साथ में भागलपुर गया और पूर्णिया आदि जिलों में लाख का उत्पादन बड़े पैमाने पर भी किया जाता है। ठीक है, चलिए प्रमुख पर्यटक स्थल की अगर बात करें हम, बिहार के प्रमुख पर्यटक स्थल कौन से? प्रमुख पर्यटक पहले नंबर पे आता है पटना। पटना प्राचीन नाम इसके अगर बात करें तो पाटलिपुत्र है। ठीक है, याद रखना को हरिवंश सिंह शासक जो हरिवंशी शासक था उद्यन ने बनाया था। किसको? किसने बसाया था इसको? पटना को उद्यन ने बसाया था। किस नाम से? पाटलिपुत्र के नाम से। इसको पुष्पपुरी या कुसुम नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्पपुरी और कुसुम नगर भी कहा जाता है। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली थी। चंद्रगुप्त के दरबार में आए यूनानी राजपूत मेघस्थिनी ने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया है। यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल हैं जिसमें हर मंदिर, नेहरू तारामंडल, खुदाबख्श खान पुस्तकालय, पटना संग्रहालय आदि हमको देखने को मिलते हैं। अगला आता है बोधगया। गया से 14 किलोमीटर दक्षिण में स्थित बोधगया एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति
हुई थी, जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं। यहाँ का महाबोधि मंदिर तथा विदेशियों द्वारा बनाए गए बौद्ध मंदिर का आकर्षक केंद्र है बोधिगया। अगला आता है वैशाली। प्राचीन काल में लिच्छवी शासकों की राजधानी था। किसका? लिच्छवी शासकों की राजधानी था। जैन धर्म के महान तीर्थ का वर्धमान महावीर का जन्म यहीं पर हुआ था। यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल हमको देखने को मिलते हैं। अगला आता है नालंदा। पटना के समीप स्थित प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय एक सुविख्यात केंद्र शिक्षा का केंद्र था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हैंगसांग ने कुछ दिन यहाँ प्रवास किया। राज्य सरकार ने यहाँ पर नालंदा महाविहार नामक शोध संस्थान की स्थापना की है। यहाँ एक पुरातत्व संग्रहालय भी स्थित है। अगला आता है हमारा पर्यटक स्थल में राजगीर। यह एक हिंदू बौद्ध और जैन तीनों धर्म का सम्मिलित रूप पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में अगर हम बात करूँ तो मैं वेणुवन, करण सरोवर, सप्तधारा, मखदूब कुंड, गर्म झरने, सप्तवर्णी गुफा, गनियारगट, जरासंघ का अखाड़ा, बिंबिसार का कारागार, रत्नागिरी और गिद्धकूट पर्वत आदि स्थित हैं। अगर बात करें तो पावापुरी की, पावापुरी भी बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। नालंदा से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ जैन धर्म के महातीर्थ का महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। कहाँ पर? पावापुरी में। अगली बात करते हैं मुंगेर की। यह प्राचीन अंग साम्राज्य शासकों का प्रमुख केंद्र और बंगाल के नवाब मीर कासिम की राजधानी रहा है। यहाँ कई ऐतिहासिक स्थल हैं, जिनमें बरारी की गुफाएं, कहलगांव का मंदिर तथा मंदार पहाड़ी मुख्य हैं। अगला आता है सासाराम। सिरसा सूरी का प्रसिद्ध किला और मकबरा सासाराम में ही स्थित है। बिहार शरीफ, यह एक स्थल मुस्लिम संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। यह स्थल यह मुस्लिम संत पीर मखदूम शाह शरीफुद्दीन का मकबरा स्थित है। कहाँ पर? बिहार शरीफ में। अगला आता है सोनपुर। गंगा के किनारे स्थित सोनपुर में विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला प्रत्येक वर्ष लगता है। कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के कुछ जो महान हस्तियाँ हुई, महान विभूतियाँ हुई, उनके उपनाम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देशरथ और अजातशत्रु कहा जाता है, जो कि बिहार के ही थे। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति और बड़े साहब के नाम से जाना जाता है। जगजीवन राम जो बिहार के ही थे, बाबूजी के नाम से। नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र जो थे, उनको बाबा के नाम से। और कुंवर सिंह को बाबू के नाम से जाना जाता है। जो बिहार के प्रमुख उपनाम थे, विभूतियाँ थी, जिनका क्वेश्चन प्रति परीक्षा में अक्सर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स देखिए, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो जो बिहार से संबंधित थी, इसी प्रकार आगे हम अन्य राज्यों को भी देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। सारा ही सारा मैटर समीक्षा इंस्टीट्यूट पर आपको मिलता रहेगा। मिलेंगे अगले टॉपिक में, जब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब चैनल को कर लें। ठीक है फ्रेंड्स।